वायरस के विश्वव्यापी प्रसार के बचाव के उपाय के रूप में देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते वनोपज संग्रहण कार्यों में बाधा उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन में भी ग्रामीणों के वनोपज संग्रहण कार्यों में बाधा ना उत्पन्न हो, इसलिए राज्य शासन के आदेश के बाद जिला कलेक्टर PS एल्मा ने अद्भुत कदम उठाया है। उन द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्बाध रूप से वनोपज की खरीदी का कार्य 68 महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से नगद भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। संग्रहण से ग्रामीणों को लॉकडाउन में भी ना केवल आत्मनिर्भर बना रहा है, अपितु ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का एक माध्यम भी बना है। वन मंडलाधिकारी DKS चौहान ने बताया कि राज्य शासन द्वारा 15 लघु वनोपजों के अतिरिक्त 7 लघु वनोपजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जानी है। जिले में भी अभी 6 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी सावधानी के साथ की जा रही है। हितग्राहियों को नगद भुगतान भी किया जा रहा है। वन मंत्री निर्देशानुसार आज से महुआ फूल की कीमत 30 रुपए प्रति किलो कर खरीदी की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि नारायणपुर वनोपज खरीदी में पहले पायदान पर थे, इसके तहत 9000 से ज्यादा संग्राहकों को वनोपजों की खरीद में 3.25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। वनोपज खरीदी हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। अभी जैसे कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस के जो संक्रमण के दौर में लॉकडाउन से हम गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे दूरस्थ अंचलों में ग्रामीण बंधु हैं, उनको किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इस दौरान हम लोग संघ, हमारा जो छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ है, उसके नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के द्वारा बहुत भारी मात्रा में इमली, महुआ, बहेड़ा, हर्रा आदि लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। और आज की स्थिति में हम लोग हमारे जो टारगेट का 35% हम लोग खरीद कर चुके हैं। लगभग 9000 क्विंटल लघु वनोपज की खरीदी की जा चुकी है और लगभग 3.25 करोड़ रुपए का नगद भुगतान इस लॉकडाउन के पीरियड में ग्रामीणों को उपलब्ध कराया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहता हूँ कि जैसे कि महुआ की खरीदी की जो दर समर्थन मूल्य था वो पहले 17 रुपए था, लेकिन कल ही माननीय वन मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये घोषणा की है कि अब हम समर्थन मूल्य महुआ का 30 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब हम लोग इमली के साथ साथ महुआ की भी खरीदी बहुत शीघ्र करने जा रहे हैं और आज से ही प्रारंभ कर दिया है हम लोगों ने इसको 30 रुपए में खरीदना। और इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि इस जिले में और हमारे वनमंडल के अंतर्गत हम लोग लघु वनोपज की खरीदी लगभग 4 करोड़ रुपए की खरीदी इस लॉकडाउन पीरियड में करेंगे, जिससे ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगा और उनकी आर्थिक मदद होगी। प्रसन्नता की बात यह है कि वनोपज की खरीदी में हमारा वनमंडल और जिला इस समय राज्य में प्रथम स्थान पर है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.